ओके हेलो, आई थिंक सो देयर क्वेश्चन नंबर इज 30 एंड यार इस क्वेश्चन नंबर 30 पे आल्सो वी यूज यार ओनली एम पावर एन एंड लॉग एम अपॉन एन एंड इन क्वेश्चन नंबर 30 आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डीवाई अपॉन डीएक्स वाई बिकॉज डीवाई अपॉन डीएक्स आर गिवेन। सो आई राइट वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर हाफ। We take log both side, log and here is also log. So log y equal to half log 1 minus x upon 1 plus x. Here we use log m minus log n. Log y equal to half log 1 minus x minus half log 1 plus x. Okay. Now be your differentiation with respect to x. Here is 1 upon y dy upon dx equal to half. We multiply here 1 upon 1 minus x into 1 is 0, x is minus 1. Okay, half 1 upon 1 plus x, 1 is 0, x is 2. 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हाफ कॉमन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके दिस इज गिवन। व्हाट आर यू गिवन? आई राइट हियर अगेन, लेट्स सी हियर वाई 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हियर एंड हियर इज we take 1 by 2 common and minus 1 upon 1 minus x minus 1 upon 1 plus x 1 upon y we multiplying y here also so dy upon dx here and y upon 2 here we take LCM 1 minus x and 1 plus x here is 1 plus x and here is minus 1 plus x Here is 1 minus x. Okay. Now dy upon dx y upon 2 minus 1 minus x minus 1 plus x upon 1 minus x square. X cancel. Dy upon dx equal to 1 by upon 2 minus 2 upon 1 minus x square. So we multiplying here 2 and 2 cancel. So we multiplying here x square dy upon dx equal to minus y. So I transfer here x square dy upon dx plus y equal to 0. Okay. Click. This is proved. Hence, okay ना? तो सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको देखिए, फिर क्या दिया है वो देखिए और हम किस चीज से यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वो आप मान लेते टी मान के सॉल्व करते, फिर सब वन अपॉन हर अंश लगा देते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा के ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन लंबा हो जाता, इसलिए तो आप उसे दीजिए सॉल्व करिए आपको आंसर आ जाएगा। Here is last questions. Which questions are here? Question number 32.
एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस वाई। वेरी इजी गोइंग, आप लोग इस तरीके से लगा चुके, बस टेकिंग लॉग बॉक्स टाइप कर दीजिएगा। तो लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स माइनस वाई। इफ यू डूआ, अगर आपको इसमें लॉग नहीं लेना है तो आप सोल्व चाहिए से कर सकते हो, लेकिन आप लेके कर सकते हो। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। बस यही क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे इस एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एफ, और एफ में आपके जो सवाल दिए हुए हैं वो दिए हुए अनंत श्रेणी को, जो श्रेणी दी जाएगी वो अनंत होगी, उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। अनंत श्रेणी सबको पता है इनफाइनाइट सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज के हमें सवाल लगा के सॉल्व करने हैं। तो इसमें दिया हुआ है प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस लर्न करके रखनी होगी, मतलब एक प्रोसेस है कि हम इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप कर सकते हो। कैसे, यदि आपको दिया हुआ है व्हाट इज गिवन, वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अनंत श्रेणी के किसी भी पद में हम कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई। कहाँ से शुरू किया, एक x को छोड़ दिया, फिर हमने इसको शुरू कर दिया, अनंत पद है y हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, हो गया स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया। इतनी समझ में आ गया सभी को, हेलो आ गया समझ में, ओके हेलो, हाँ हाँ स्टूडेंट, हाँ। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड पर, टू वाई डी वाई अपॉन डी ए डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, यहीं पे आंसर लिखे दे रहे, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। नाउ वी टेक वन साइड टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यार इज वी टेक डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब हमने यहाँ पे ट्रांसफर करके इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से एक तरफ लाए, वन। नाउ वी टेक एलसीएम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन, हियर इज आंसर आर गिवेन, वाई बिकॉज दिस इज अ प्रूविंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आर हियर, इफ दिस सीरीज आर गिवेन देन प्रूव दैट टू वाई माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। हमारे हिसाब से अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में नहीं होने वाली है इस सवाल तरीके से। आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक्स सीरीज दी हुई है आपकी रूट टेन वाई इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स अप टू इनफाइनाइट तक, ओके। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने अभी किया है, वाई इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी सीरीज है, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट आर गिवन टेन एक्स प्लस वाई, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन का होता है
sec square x plus dy upon dx. Here we transfer dy upon dx minus dy upon dx sec square x. We take LCM dy upon dx equal to sec square x. Now here the questions are same and proving are this. So this is also proving question. Hence proved. Question are here. 2y minus 1 equal dy upon dx equal to sec square x. This is a proving question. Hence proved. Any problems you take, you have, then ask. Let's see. Next questions. Which is questions? Here is questions. Y equal to root x. Root x up to infinity. Okay, and there is proving questions also here, and so we can prove. So first we let y equal to root x power y. Okay, y root x y. So we take log. Taking log both sides, log root x y. So here we y log root differentiation with respect to x both sides dy upon dx 1 upon y. Yes, first into second lagayenge, first into second ka differentiation, second ka differentiation upon root x into रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, है आगे फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. नाउ 1/y dy अपॉन dx माइनस log रूट एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू y upon 2x. Okay, y upon 2x. Proving questions here also. So here we take LCM 1 upon y minus log root x dy upon dx. This is we can take common and answer here y upon 2x. We take LCM, so y LCM y log root x upon y dy upon dx equal to y upon ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब आपको और भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन y log root x तो यही कर दिया, सबसे पहले इसको कर लो तो जो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन. अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो. तो क्यों, क्योंकि इसमें प्रूविंग दी हुई है. इसको वैसे आपका फाइनल आंसर आ गया, लेकिन प्रूव आपको करना है. क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई लॉग. ओके, तो आपको को क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा और कहीं कुछ नहीं है सवाल, तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, अजीब क्वेश्चंस हैं, बस आपको सॉल्व इसमें यही करना है कि आपका ये सॉल्व हो जाए. ओके, आई थिंक